कुश्ती संघ का चुनाव भी खत्म हुआ है, नतीजे आए हैं और संजय सिंह ने यहाँ पे चुनाव जीता अध्यक्ष पद का और ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाते हैं। बड़ी बात यह है कि इसका ऐलान भी किया जा रहा है कि संजय भैया क्या लेकर चले, ब्रजभूषण सिंह के खड़ाव लेकर चले, तो ये एक बड़ी बात है। और ब्रजभूषण सिंह के खेमे के जो अलग इतर लोग हैं उनमें दो लोगों को जीत हासिल हुई है, प्रेमचंद लोचाब हैं और दूसरी देवेंद्र सिंह है जनरल सेक्रेटरी, तो ये एक जीत हासिल हुई है। हम संजय सिंह से बात करने का कोशिश कर रहे हैं। संजय जी एक बड़ी जीत आपके लिए, बहुत बड़ी जीत है, ये असत्य पे सत्य की जीत है। यह ऐसे व्यक्ति के ऊपर चरित्र का आरोप लगाया गया था जो चरित्र में उसका कोई स्थान ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। बिल्कुल करीबी है, उसमें कोई शक नहीं, उनके करीबी नहीं। जो पहलवानों का जो डर था कि महिला के साथ, किसी पहलवानों के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी महिला पहलवान के साथ कोई अन्याय, जो उन पे इंक्वायरी चल रही है ब्रजभूषण शरण सिंह पे वो निष्पक्ष होगी। कोर्ट का मैटर कोर्ट में, वो निष्पक्ष। और इन्होंने कहा है कि जो पहलवान हैं उनके साथ अन्याय नहीं होगा, ये भी खुलकर कह रहे हैं कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो निष्पक्ष हैं। तो बहुत सारे सवाल इस चुनाव ने खड़े किए हैं, इन नतीजों ने खड़े किए हैं। 15 में से जो 13 से 12 से ज़्यादा लोग हैं वो जीते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे के, एक दो जो है ब्रजभूषण शरण सिंह के ओपोनेंट को जीत हासिल हुई है। तो चुनाव के नतीजे आ गए हैं, पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पहलवान जो है 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। देखना होगा वहाँ से क्या कुछ निकलता है। दिल्ली से कैमरामैन मनोज ठाकुर के साथ विमल मोहन, NDTV इंडिया।